शनिवार को राजस्थान के कई शहरों में सीबीआई ने छापेमारी की। ये छापेमारी बजरी खनन के कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई। हालांकि इस छापेमारी के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा है, मगर दूसरी ओर इस मामले में नागौर सांसद और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए मामले से जुड़े केसों को सीबीआई को हैंडओवर करने की मांग उठाई है। हनुमान बेनीवाल ने लिखा है कि राजस्थान के कथित बजरी माफिया के ठिकानों पर आज सीबीआई द्वारा कार्यवाही करने की सूचनाएं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और उससे पहले की भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस बजरी माफिया व इसके एफआरएस ग्रुप ने राज्य में समानांतर सरकार चलाई और बजरी की दरों को आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने आगे लिखा कि बजरी लीज की आड़ में प्रदेश की नदियों के अस्तित्व को बिगाड़ दिया और पर्यावरण के साथ जमकर खिलवाड़ किया गया, मगर सिस्टम खामोश रहा क्योंकि सरकार के आला ब्यूरोक्रेट्स और बड़े पुलिस अफसर चहेते स्थानों पर पोस्टिंग के लिए इस बजरी माफिया की शरण में बैठे रहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि इस बजरी माफिया के आतंक से जनता त्रस्त थी और इस माफिया के आतंक से राजस्थान की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश के बड़े जन आंदोलन किए। बाड़मेर जिले के पचपदरा, बालोतरा, डूंगरपुर, कोलायत, नागौर जिले के दियाबड़ी, भीलवाड़ा, नोहर, बाजमेर के धोरीमन्ना तथा टोंक में विगत वर्ष बड़े जन आंदोलन किए गए और उन आंदोलनों के माध्यम से सरकार के निर्देशों के बाद संबंधित जिलों के प्रशासन ने हमसे वार्ता की, मगर वार्ता में बजरी माफिया द्वारा किए बजरी के अवैध स्टॉक की जांच करवाने, वैध खनन की आड़ में किए गए अवैध खनन की जांच करवाने और बिना भूपयोग परिवर्तन के कृषि भूमि पर ही बजरी का स्टॉक करने, फर्जी रवाना देने, फर्जी रवाना देने, अवैध रॉयल्टी लेने सहित विभिन्न अन्य बिंदुओं की जांच करवाते हुए संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की सहमति बनी थी। टोंक में किए गए जन आंदोलन के बाद टोंक से जयपुर कूच किया, तब राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया और उसके बाद सरकार ने देर रात शासन सचिवालय में आंदोलित प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य आला अधिकारियों की भी मौजूद थे। उन्होंने आगे लिखा कि इसमें बजरी के दरों को कम करने सहित ये तमाम मांगे सम्मिलित थी। हनुमान बेनीवाल ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा कि हमने बजरी माफिया द्वारा किए गए अरबों के राजस्व नुकसान से भी सरकार को अवगत करवाया और उसके द्वारा अर्जित किए गए अवैध धन तथा संपत्ति की जांच के लिए ईडी की कार्यवाही करने की मांग रखी थी। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप नागौर जिले के पादुकल्ला थाने में बजरी माफिया के ग्रुप के खिलाफ 13 जून 2023 को एफआईआर संख्या 141 और 23 व 142 और 23 दर्ज हुई। वही नागौर जिले के थावला थाने में एफआईआर संख्या 151/23 दर्ज हुई। वहीं 7/7/2023 को बाड़मेर जिले के रागेश्वरी गैस टर्मिनल पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 108/23 दर्ज हुई और इसी माफिया के इशारे पर टोंक जिले में गरीब किसान शंकर मीणा की हत्या की गई, जिसे लेकर पिपलू थाने में प्रकरण संख्या 168/23 दिनांक 30 जून 2023 को दर्ज हुआ। चूंकि पूर्व में ईडी की कार्यवाही इन माफिया के ठिकानों पर हुई थी, मगर ईडी की कार्यवाही से पहले ही कथित बजरी माफिया को भनक लग गई और उस समय ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। उसके बाद ईडी ने आज तक उसके विरुद्ध क्या किया, उस माफिया से पूछताछ की गई अथवा नहीं, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे ईडी की कार्यवाही करने वाले अधिकारी भी खुद संदेह के दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई की जो कार्यवाही इस माफिया के ठिकानों पर हुई है वो कार्यवाही बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सीबीआई को अब पूरी ईमानदारी से इस माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। बजरी के खेल में इस माफिया के गिरोह और ग्रुप ने एक दर्जन से ज्यादा हत्याएं की, जिसको दबा दिया गया है और आमजन के साथ पुलिस प्रशासन पर ही ऐसे माफियाओं द्वारा प्रदेश के दर्जनों बार हमले किए गए। आखिर में हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील है कि इस बजरी माफिया
तथा इससे संबंधित ग्रुप के खिलाफ प्रदेश में जितने भी मुकदमे व परिवाद दर्ज है उन सभी की जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।